हेलो फ्रेंड्स, नियम का तीसरा भाग तप। जब व्यक्ति जीवन में उत्तम कार्य करना चाहता है, तब उसके मार्ग में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, भूख प्यास, अमीरी गरीबी जैसा समय उपस्थित होता है। जीवन की सभी उतार चढ़ाव को प्रसन्नता पूर्वक सहते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करना ही तप कहलाता है। तप को करते समय और जीवन को अति उत्तम बनाने के लिए कई बातों को अपने व्यवहार में, आदतों में, कर्मों में शामिल करना होता है। जैसे सदा सत्य बोलना, विद्या ग्रहण करना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, परोपकार करना आदि। मनुष्य जब तप करता है तो इससे उसे अनेक फायदे होते हैं। सबसे पहले उसके शरीर की शुद्धि होती है। शरीर से हर प्रकार का मल व्यायाम करने से बाहर निकल जाता है। जो मनुष्य शीत को सहने की आदत नहीं डालता, वह व्यक्ति शीत ऋतु के आते ही या शीत देश में जाते ही बीमार पड़ जाता है। और जो व्यक्ति गर्मी सहने का अभ्यास नहीं करता, वह ग्रीष्म ऋतु आते ही या गर्म देशों में जाते ही रोगी बन जाता है। और जो व्यक्ति भूख को सहने का अभ्यास नहीं करता, वह लंबे काल तक भूख को सहन नहीं कर सकता। तप करने वाले मनुष्य की आयु दीर्घ होती है और तप ना करने वाले की आयु कम होती है। तप का अर्थ यह भी नहीं है कि शरीर को सुखा देना या गला देना। जितना भी सहन करने से शरीर स्वस्थ रहे, रोगी ना हो, उतना ही सहन करना तप है। तप करने से शरीर बलवान और कठोर बन जाता है। तप करने से शारीरिक शुद्धि के साथ साथ इंद्रियां, मन और आत्मा शुद्ध होते हैं। तपस्वी मनुष्य मन और अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर उन्हें सन्मार्ग पर चलाता है। जैसे आवश्यकता से अधिक भोजन खाकर मनुष्य रोगी बनता है, लेकिन शरीर की आवश्यकता अनुसार भोजन खाने वाला व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में रखता है। तपस्वी व्यक्ति मान अपमान को सहन करते हुए दुख का अनुभव नहीं करता और बार बार कठिनाइयों को सहन करता है और भय रहित रहता है। इस प्रकार सांसारिक कार्यों को करते हुए तप जैसा उत्तम कार्य करने से लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों।